जनपद मुजफ्फरनगर में आज स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल दिन निकलते ही कई वार्डों में पहुंचे और वार्डों का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका द्वारा क्षेत्रों में की जा रही साफ सफाई व्यवस्था, सैनिटाइज आदि कई चीजों का निरीक्षण किया। नालियों में जमी गंदगी देखकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल भड़क उठे और नगर पालिका अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि तुरंत जो भी अवैध दूध की डेयरियां हैं और नालियों में गोबर बह रही हैं उन पर कार्रवाई करें, जिससे बरसात में सड़कों और नालियों में गंदा पानी न जमा हो पाए। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मोहल्ले वासियों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। वहीं दुकानदारों से पूछा कि पुलिस परेशान तो नहीं कर रही है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सफाई कर्मियों से भी उनका हाल चाल जाना है। किस तरह का निरीक्षण किया जा रहा है अभी? इस समय हम सुरक्षा बाजार में हैं, तो नगर पालिका का वार्ड 47 है और साथ साथ वार्ड 38 के अंदर भी जाएंगे। तो यहाँ हमारे दोनों सभासद हैं और उसके अलावा हमारे रोहित टाइल भी हमारे मंडल के प्रतिनिधि हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और सब प्रकार की सफाई व्यवस्था, मोहल्ले में सैनिटाइजर, उनका मास्क, जो कर्मचारी हैं हमारे, क्योंकि कर्मचारी भी कोरोना वायरस है, उनकी हर प्रकार की सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनका हालचाल पूछना और जो हमारी सफाई कर्मचारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका भी हालचाल पूछने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए खासतौर से कि नगर में सब लोग स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। कोई परेशानी है तो हमको बताएं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उनका संदेह लगातार है कि दो गज की दूरी और मास्क जरूरी, उसका पालन भी लोग करें और अपना बचाव भी करें। और अभी आज 1 जून हो गई है, प्रदेश के काफ़ी सारे हिस्सों में लॉकडाउन खुला है, धीरे धीरे मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन और खुलने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू।